हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और क्लास नाइन्थ के टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन चल रहा है। आइए आप साथी बने। तो अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री नाम का शब्द है, तो ज्योमेट्री से आप कंफ्यूज मत हो, ये बहुत आसान टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और दो दूसरी बात है, रही बात इसकी कि ये जो मैंने बना रखे हैं पहले से, ये तो टाइम सेविंग पर्पस से हैं, इसका इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक आपने देखा था रियल लाइन को, तो ये आप पहचान भी गए होंगे कि ये रियल लाइन क्या होती है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है, बीच में ओ होता है ओरिजिन, इसको ज़ीरो बोलते हैं आप। यहाँ पर कोऑर्डिनेट में को का मतलब ही समझ गए होंगे कि आप दो चीज़ें आएंगी, तो दो चीज़ों में एक तो आएगा आपका ये वाली चीज और एक आएगी ये वाली चीज। तो ये जो यहाँ लिखा रहेगा उसको हम यूजुअली एक्स बोलते हैं, यहाँ जो लिखा रहता है उसको हम वाई बोलते हैं। उसी एक्स को एब्सिसा कहते हैं और उसी वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। वो जो एक्स है उसको एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट। इसमें केवल एक्स होता है, एक ही चीज़ होती है, या तो आप एक्स समझ ले या वाई समझ ले, पर एक ही चीज़ होती है। पर इसमें कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका प्लेन है, इस प्लेन में आपकी कहाँ पोजीशन है, तो मान लीजिए कि आपका पूरा बोर्ड ये जो है प्लेन है, इस बोर्ड में आप यहाँ पर हो, तो कैसे बता दें कि आप यहाँ पर हो? ऐसा क्या बता दें कि जिससे पता चल जाए कि आप यहाँ पर हो? तो ऐसा बताने के लिए अगर आप ये बता दिया जाए कि आप ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे इधर हॉरिजॉन्टली हो और इतनी डिस्टेंस पे आप वर्टिकली हो, तो आप पता लग जाएगा कि आप कहाँ हो। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, तो कैसे बताएंगे कि वो यहाँ पर हो? आप मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो, तो ये बताने के लिए कि आप यहाँ पर खड़े हो, ऐसा क्या तरीका इस्तेमाल करें कि पता चल जाए कि आप यहाँ पर हो? जैसे यहाँ पर होता था कि एक नंबर थ्री है, तो इसका मतलब थ्री कहाँ होगा? यहाँ होगा। एक नंबर माइनस टू है, तो माइनस टू कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। अभी किसी ने बोला कि एक नंबर फाइव है, तो फाइव किधर होगा? तो आप समझ जाते हो, थ्री के बाद फोर आएगा, फोर के बाद क्या आएगा? फाइव आएगा। तो फाइव कहाँ पर लाया करेगा? यहाँ लाया करेगा। वैसे इस वाले केस में ये कैसे पता चले, हाउ डू वी कम टू नो दैट हु इज लाइंग एट दिस पोजीशन? यहाँ पर कौन से, ये मैंने इसकी जो पोजीशन है इस पे कौन है, तो इस पे कौन है? तो अपन एक काम करो, देखो यहाँ से कितनी दूर है, एक दो तीन, एक दो, ओहो यहाँ से तीन, यहाँ से दो, तो इसका मतलब है ये यहाँ से तीन यूनिट डिस्टेंस है। कौन सी वाली? ये वाली डिस्टेंस तीन यूनिट है, ये वाली डिस्टेंस दो यूनिट है। तो इस वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस फिक्स है, कि जो आप इसको एक्स और इसको वाई नहीं कह सकते, आपको इसको ही एक्स बोलना पड़ेगा। तो इसको आप समझ गए होंगे कि इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे, इसको कहेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसको कभी कभी ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ ऊपर लिख देते हैं कैपिटल वाई, नीचे लिख देते हैं वाई डैश, वाई डैश। वाई डैश का मतलब है कि इस बार यहाँ पर सारी वैल्यूज वाई की पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पर सारी वैल्यू वाई की नेगेटिव रहेंगी। तो आप माइनस लिख भी सकते हैं, यहाँ माइनस 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 माइनस, और इसी तरीके से यहाँ x एक्सिस है वो x है, और इस तरफ बोलते इसको कभी x डैश भी लिख देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये माइनस का होगा, माइनस माइनस ये माइनस, और आगे जाते जाएंगे जितनी आपको चाहिए हो, ज़रूरत हो। ये सारी वैल्यूज, इसको O को क्या बोलेंगे? O इज कॉल्ड ओरिजिन, ओरिजिन। यहाँ x कितना होगा? देखो x कितना है, जीरो, और y कितना है? यहाँ y भी जीरो है, तो उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो कॉमा जीरो। ये O है और ये जीरो है,
ये जीरो है और ये ओ है, ओरिजिन, ओरिजिन। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि अगर अपन को किसी की भी पोजीशन बताना, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ पर है, तो आप कैसे देखोगे? तो आप देखोगे यार कि एक्स में कितनी है, 2 यूनिट है, वाई में कितनी है, नेगेटिव में 2 यूनिट है, तो एक्स में 2 यूनिट है, तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ये देखो ये, तो ये वाली पोजीशन किसकी हो गई, ये 2, -2 पॉइंट की पोजीशन हो गई। 2, -2 पॉइंट कहाँ पे लाया करेगा, यहाँ पे लाया करेगा। ये वाला कौन सा पॉइंट था, तो इसको बोलेंगे 3, 2। एक्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको एब्सिसा कहते हैं, वाई वाली वैल्यूज को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3, 2, ये वाला आपका पॉइंट हो गया 2, -2। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई बोले कि आप पॉइंट्स को मार्क करो। कैसे पॉइंट्स को मार्क करो? तो मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन बताया कि मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स इन 2D प्लेन। 2D क्यों बोलते हैं इसको? तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, और कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा है, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको कहते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 2D, 2D। अगर तीन चीज़ें आ जाती तो फिर क्या होता, तो फिर 3D हो जाता। तो जब आप 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, तो आपको 3D ज्योमेट्री भी पढ़ना है। फिजिक्स में और जाएंगे तो और आगे जाके आपको मल्टी डायमेंशनल भी पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे पास है 2D, जिसमें दो चीज़ों का यूज़ होता है, एक है एक्स और दूसरी चीज़ है वाई। समझ ही गए होंगे आप। तो अगर आपको मैंने लिखा है कि मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स इन 2D प्लेन, अब मैं आपको पॉइंट्स लिखता हूँ। ए है आपके पास 1, 4, बी है आपका -2, 3, सी है आपका 4, 2, डी पॉइंट है आपका -3, -2। तो ये हम पॉइंट्स मार्क करने की कोशिश करते हैं, इसको ग्राफ बोलते हैं। ये ग्राफ पेपर भी करेंगे ना, तो ये ग्राफ, तो ग्राफ आप जब बनाएंगे तो ग्राफ बनाइए। तो आप नीचे से, जैसे ये आपका पेपर है, मान लीजिए ये आपका पेपर है, तो आप एक्सिस इधर और इधर से मत बनाइए, ये गलत तरीका होगा, ये वाला तरीका आपका गलत होगा। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो अगर आपका ग्राफ पेपर यूं है ऐसा, तो आप एक्सिस बीच में से बनाइए, क्योंकि आप प्लस के भी चलेंगे और माइनस के भी चलेंगे, प्लस के भी चलेंगे माइनस के भी चलेंगे। स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से चालू करते हो आप? स्टैटिस्टिक्स में आप पेपर ये होता है और यहाँ से बोलते हो, इसको ऐसे ऐसे बना देते हो, ये और ये, तो स्टैटिस्टिक्स में चल जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं आते, इसमें नेगेटिव भी आएंगे, तो आप बीच में से बनाइए। और इनको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो कभी कोई पॉइंट में आ गया, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट, कोई आ, इनको पॉइंट्स कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स, इनको हम पॉइंट्स कहेंगे, इनको पॉइंट्स कहेंगे, ये जो लिखे हुए हैं दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज पॉइंट, पॉइंट इन 2D प्लेन, 2D प्लेन का पॉइंट है। तो पॉइंट में, और बिल्कुल आप आसानी से मेरे साथ बने रहे, मैं आखिरी तक आपको ऐसी ऐसी बारीक छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अब एक पॉइंट हमने लिया ई, जो ले लिया हमने 5/2 7/3, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा टाइप का ले लिया जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। तो ए पॉइंट कहाँ है, 1, 4, तो आप एक्स में 1 देखिए और वाई में 4 देखिए। देखिए एक्स में 1 देखिए, ये आ गया 1, इसको एक पॉइंट को मार्क कर लो, और 4 वाई में देखना है, तो वाई में 4 ये। तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन मत कर दीजिएगा, 1 के सामने ऐसी लाइन बढ़ाइए और 4 के सामने ऐसी, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 आपको, है ना, ये जो 4 यहाँ लिखा था, क्योंकि अब लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी।
तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका कैपिटल ए, कैपिटल ए 1.4। अगर खाली कैपिटल ए भी लिखा रहेगा तो भी आप पता लगा लोगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1.4 है। क्यों 1.4 है? देखो ये 1 है, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 1.4 है। कैपिटल बी क्या चीज़ है? कैपिटल बी है -2.3। एक्स में -2, एक्स में -2 किधर आएगा? इधर आएगा। और वाई में 3 किधर आएगा? उधर आएगा। तो पहले एक काम करो, -2 को मार्क कर दो, -3 को मार्क कर दो। अब -2 के सामने ऐसी ऐसी डॉट लाइन बनाओ, डॉट डॉट करके -2 के सामने ऐसी डॉटेड लाइन और 3 के सामने ऐसे डॉटेड लाइन, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही है आपका बी। बी मैं ब्रैकेट में वैल्यू भी लिख देता हूँ, वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, -2.3। सी कहाँ है? 4.2। सी कहाँ है देखो? 4.2। तो सी ऐसा है, कैप ये 4 हो जाएगा यहाँ पे और 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 के सामने वाली लाइन ऐसे ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ और 2 के सामने की लाइन ऐसे ऐसे आएगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4.2। यहाँ एक खास बात देखो, यहाँ पे एक खास बात है। क्या खास बात है? वाई की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, इसमें वाई की वैल्यू फिक्स है, वाई की वैल्यू 2 है। फिर चलो उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। -3.-2 देख लो, -3 एक्स पे चाहिए तो ये एक्स पे -3 हो गया, ये एक्स पे -3 हो गया। ये 4.2 क्या है? सी है ना, तो इसके ऊपर सी लिख देता हूँ। ये तो पहले एग्जाम्पल के पॉइंट्स थे, तो इनसे कोई मतलब नहीं। आप तो नया ग्राफ बनाओगे तो उसमें ये पॉइंट मार्क नहीं करना आपको, ये वाला पॉइंट भी मार्क नहीं करना। -3.-2 तो -3 तो यहाँ आ गया और -2 नीचे चला गया ये, तो इसके सामने ऐसी लाइन करो, इसके सामने की ऐसी लाइन करो, ये वाला पॉइंट आ गया आपका डी। ये डी है -3.-2। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई कितना है आपका? ई है 5/2, 7/3। तो इसकी वैल्यू दोस्तों पॉइंट में निकालना पड़ेगी। 5/2 तो हो जाएगा 2.5 और 7/3 हो जाएगा आपका 3×2=6, तो 2.33 हो जाएगा। अब 2.33 तो आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें सेंटीमीटर्स भी होते होंगे, और सेंटीमीटर्स में भी उसके कई खंड भी होते होंगे, सेंटीमीटर्स के भी कई खंड होते हैं। एक सेंटीमीटर में को 10 भागों में उन्होंने बांटा भी है। तो आप समझ लें कि 2.5 कहाँ आएगा? 2.5 आएगा यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर 2.5 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.5। और दूसरा है 2.33, तो 2.33 तीन भाग कर लो इसके, 1, 2, 3, तो यहाँ पे आएगा तकरीबन। फिर आप इसको भी बढ़ा लो और इसको भी बढ़ा लो, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट कौन हो जाएगा आपका? ई। ई के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2.5, 7.33। ये आपका आ गया। एक्स वाले को एप्सिसा कहते हैं, वाई वाले को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स को एप्सिसा और वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। अब इस ग्राफ पे आप खास बात देखो, इस ग्राफ पे अब खास बात हम समझते हैं कि क्या क्या खास बात है। तो खास बात आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस ग्राफ पे खास बात देखते हैं हम कि ये जो है, ये वाले जो चार हिस्से हैं, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक पहला इस, तो इसको इस वाले को आपको यूं चलना है, ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट्स है, ये क्या चीज़ है मैंने जो बनाए हैं आपके, ये क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट्स है। अब आप क्वाड्रेंट में देखो कि आपको ये वाला पॉइंट 1.4 कौन से क्वाड्रेंट में मिला था? तो आपको याद होगा ये 1 है, ये 4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से सुनिए आप, क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 1 और 4 दोनों की दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव।
यानी एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, वाई भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। इधर वाले के लिए एक्स क्या होता है, जैसे ये पॉइंट था माइनस टू कॉमा थ्री, तो माइनस टू कॉमा थ्री ये यहाँ पे आया था सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये माइनस टू था एक्स में, यहाँ पे वन यहाँ पे टू, एक्स माइनस टू और वाई थ्री था, तो पॉइंट यहाँ पे आया। तो इसमें क्या था, एक्स तो लेस देन जीरो होता है और वाई क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। आपसे पूछेंगे कि अगर एक्स लेस देन जीरो है वाई ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट विल बी लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, तो पॉइंट विल बी लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की भी वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की भी क्या होती है नेगेटिव होती है, तो एक्स लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो। ये था ना आपका डी पॉइंट, याद करो डी पॉइंट इसी क्वाड्रेंट में आया था माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, ये था माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और फिर यहाँ पे माइनस टू, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ऐसे नहीं चलना, आपको यूँ चलना है जैसे मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई यूँ चलेगी, आपको यूँ चलना एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है, एक्स इधर पॉजिटिव है, वाई क्या है नेगेटिव है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कंप्यूटर साइंस में भी बहुत है, और आगे आपको जो लोग आर्किटेक्ट बनेंगे, सिविल इंजीनियरिंग करेंगे और भी दूसरी इंजीनियरिंग करेंगे उसमें भी इसका यूज जबरदस्त है। तो ये हमने इनके बेसिस पे देखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में एक्स एब्सिसा एब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या मेरी बात। अब आपसे दूसरा सवाल, ये क्वाड्रेंट के बेसिस पे हमने निकाल लिया, अब आप ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपको दूसरा सवाल पूछते हैं कि मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स इन 2D प्लेन, अब मैं पॉइंट्स आपके बदल देता हूँ तो फिर हम उनको भी बना के देखेंगे। देखिए ए 3,0, बी 4,0, सी -1,0, डी 0,2, ई 0,-3, एफ 0,0। तो पहले वापस से वैसे ही बनाना पड़ेगा आपको, तो ये फटाफट बना दिया, ये लिख दिया 1, 2, 3, 4, यहाँ लिख दिया -1, -2, -3, -4, 1, 2, -1, -2, -3, -4। अब देखो 3,0 कहाँ आएगा, तो फिर सोचो x तो 3 है पर y तो है ही नहीं, y तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर x 3 है y 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका a 3,0। और दूसरी बात है b कहाँ पे आएगा, तो b आपका यहाँ आ जाएगा, b कहाँ आएगा 4,0, सी कहाँ आएगा -1,0, तो सी आपका आ गया -1,0। तो इस पूरी लाइन में खास बात नोट करने वाली बात है कि इस पूरी लाइन में कौन सी वाली लाइन में, तो कौन सी वाली लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है हमेशा जीरो। तो इसका मतलब है कि फॉर एक्स एक्सिस, फॉर विच एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस वाई मीन्स कौन ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। तो जब कोई बोलेगा कि व्हाट इज वाई इक्वल टू जीरो, तो आपको बोलना है कि इट इज एक्स एक्सिस। और कभी कोई ऐसा पूछेगा कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाती है इक्वेशन, ये क्या कहलाती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। किसकी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, कौन है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ये
y equal to 0 represents to what? Y equal to 0 represents x-axis, x-axis को y equal to 0 represent करता है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कौन represent करेगा, इसको x is equal to 0, क्यों? क्योंकि 0,2 कहाँ आएगा, x तो 0 है, y 2 है, x में ज़्यादा आगे नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, ये O है, ये यहाँ पे 0,2, ये कौन सा पॉइंट है, D है, ये पॉइंट है D, ये वाला पॉइंट है D, और कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 0,2, E क्या चीज़ है, 0,-3, x में 0 है, आगे मत जाओ, y में -3 है, तो ये E हो गया, 0,-3, क्या नोट किया, बस वो नोटिस जो किया वो लिखो यहाँ पे कि फॉर विच एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, आई हैव नोटिस्ड, ऐसा बोलो, वी हैव नोटिस्ड, हमने ऐसा नोटिस किया कि फॉर वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज वॉट, दिस इज इक्वेशन ऑफ विच एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप पुराने वीडियोस जरूर देखा करें कि जीरो प्लस का हो जीरो माइनस का हो वो जीरो ही होता है, इसलिए इसमें चिंता मत करना कि प्लस का हुआ कि माइनस का हुआ। तीसरी ये अब एफ 0,0, तो 0,0 कहाँ होगा, 0,0 ये होगा, तो इसीलिए ओ के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, एक ओ के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0। अब और ख़ास बात है, ये भी मैं रब कर देता हूँ, वो भी रब कर देता हूँ, अब आपने सारी बात समझ ली मेरी, अब 2-4 मिनट का काम और है, वो भी आप समझ लेंगे, आपका काम बहुत सारा बन जाएगा, और आपका ये चैप्टर 30 मिनट से कम टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके क्वेश्चन सर्टेनली एग्जाम में आते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म होगी, तो अगला चैप्टर हम आपसे डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब उसमें x भी रहेगा और y भी रहेगा, जैसे अभी आपके पास क्या आया था, या तो खाली x आया था या तो खाली y आया था, ठीक है, लेकिन अब दोनों साथ साथ आएंगे, तो वो चैप्टर देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहेंगे, और आपके घर में छोटे भाई बड़े भाई बहन हो जो भी हो, आपके दोस्त हो, उनको सजेस्ट करें, मैंने क्लास 6 से लेकर के IIT JEE तक के वीडियोस बनाए हैं और अपलोड किए हैं। तो मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स इन 2D प्लेन, अब ये तीसरा सवाल है, इसमें देखिए 3,2 4,2 5,2 1,2, खास बात देख रहे होंगे आप सबको, उधर वाले को क्या ले रखा है मैंने 2,2, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको दिया C और इसको D, तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, 3,2 कहाँ आएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं हम, 6, अब ये लिखा है 3,2, ये 1 ये 2, 3,2 कहाँ आएगा, तो 3,2 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3,2, 4,2 कहाँ आएगा, 4,2 यहाँ पे आएगा, 4 और ये 2, 5,2 आएगा यहाँ पे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और कौन सा है आपका 1,2 यहाँ आएगा, ये कौन सा हो गया आपका D, सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे हैं, कौन सी लाइन पे हैं, तो कौन सी लाइन पे, तो उस लाइन में खास बात है, उसके लिए मतलब y की वैल्यू कितनी है, इसके लिए सबसे खास बात है कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है इसमें 2, तो जिनके ऑर्डिनेट में एक फिक्स वैल्यू है, एक जैसी वैल्यूज है, जैसे y की वैल्यू 2 है, तो जिसमें y की वैल्यू 2 है, तो ये एक लाइन है, किसको पैरेलल है, अ लाइन पैरेलल, ये सिंबल है पैरेलल का, पैरेलल टू
विच एक्सिस, देख लो आप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अगर वाई इक्वल टू वन होती तो इनका वाई वाला जो वैल्यू है वो वन 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 होता तो वो इधर की तरफ आती। तो इसका मतलब है कि y बराबर 1 हो, y बराबर 2 हो, y बराबर 3 हो, y बराबर माइनस 1 हो, y बराबर माइनस 2 हो, तो उसको बोलते हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 3, ये जो लाइन्स है ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहलाएंगी। ये लाइन क्या होंगी, मान लो y बराबर k है, क्योंकि इतनी सारी लिखने की जगह k लिख दिया, तो अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, किसको पैरेलल होगी, x एक्सिस को, और कितनी दूर होगी, तो अगर y इक्वल टू 2 है तो वो 2 यूनिट डिस्टेंस पे, y इक्वल टू 1 है तो वो कितनी यूनिट डिस्टेंस पे, 1 यूनिट पे। तो y इक्वल टू k है तो अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ मान लो कि ये प्लस है, तब माइनस होगी तो माइनस की साइड, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ के यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, के यूनिट डिस्टेंस पे होगी ओरिजिन से। और अगर इसी की जगह आपके पॉइंट ऐसे हुए, कैसे हुए, ई देखो आप 4,1, एफ 4,2, जी 4,0, एच 4,5, तो ये कहाँ पे होंगे, तो 4,1 एक्स फिक्स है, एक्स क्या है 4, y कितना है 1, तो ये यहाँ पे हो गया 4,1। ऐसे ही ये 4,2 है, ये f है, 4,2 कहाँ आएगा, ये b और g सेम हो जाएंगे ना, यही है 4,2, 4,2 के बाद 4,0, तो ये जाएगा 4,0, 4,0 कौन है, सॉरी ये f है, b और f सेम हो जाएंगे, ये g हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये g, और h कौन है 4,5, तो 4 तो यही है, और यहाँ पे आएगा 3,4,5, यहाँ पे आएगा 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका h, h क्या हो जाएगा आपका 4,5। इन सारे पॉइंट्स में इसमें 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 क्या खास बात है, x फिक्स है और लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस को, तो इसका मतलब है x बराबर k हो, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मान लो यहाँ k नहीं लिखते हैं, k1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्लस k2, तो ये क्या होगी, ये लाइन होगी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसमें कितनी डिस्टेंस थी, k1 थी, क्योंकि k1 कहा ना मैंने, तो k1 कर दिया, ऑफ k2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन से k2 डिस्टेंस पे एक लाइन होगी पैरेलल किसको, y एक्सिस को, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो वो पैरेलल टू किसको होगी, x एक्सिस को। तो कभी अब अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे कैसा क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 के लिए आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 4 तो दिमाग में रखो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, और k कितनी डिस्टेंस पे होगी, 4 यूनिट डिस्टेंस पे,
तो ये हो जाएगी 4 यूनिट डिस्टेंस पे, 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 4, ऐसी लाइन बन जाएगी। इस लाइन को क्या बोलोगे आप, एक्स इज इक्वल टू 4। अगर आपसे बोलेंगे दूसरा क्वेश्चन कि ड्रॉ द लाइन वाई इज इक्वल टू -3, तो वाई इक्वल टू -3 किधर होगी, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू विच एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और किस साइड होगी, नीचे की साइड में, क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी है -3, तो 1, 2 और ये यहाँ पे ये लाइन आएगी -3 की, वाई इक्वल टू -3, ये लाइन है, ये लाइन है वाई इक्वल टू -3 और ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों इतना ही आया आपकी क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने डिस्कस किया। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, कुछ कुछ पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी, कुछ बच्चों की इसमें रिक्वेस्ट थी कि सर ये वाला टॉपिक आप लिखें समझाएं। इसके पहले मैंने बनाया था पॉलीनोमियल, उसका अच्छा रिस्पांस था, इसका भी रिस्पांस होपफुली आप अच्छा देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं, बेल आइकन दबाना ही है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं इसको सर्कुलेट कर दीजिए। मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कभी भी इसमें कोई चार्ज मैं नहीं रखूँगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम सब साथ मिलके ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और मैंने पीएचडी मैथमेटिक्स में किया है, तो मैथमेटिक्स और मेरा एक्सपीरियंस जो है बच्चों को पढ़ाने का काफ़ी रहा है, और इस वजह से मैं बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी मैं समझता हूँ, और उनको किस किस तरह से ट्विस्ट करना है, किस तरह से मोल्ड करना है, मुझे थोड़ा अनुभव है। तो ये आप मेरे सपोर्ट के लिए चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाना और मुझे सपोर्ट करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9685698056। तो इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़ें, तरक्की करें।